तो हमने एक्सप्रेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल हमने कर लिया टॉपिक, हमने एक्सप्रेशन फॉर लॉस इन एनर्जी एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉमन पोटेंशियल वो भी हमने कर लिया था। फिर अब जो टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर बाउंड चार्जेस या इंड्यूस्ड चार्जेस इन डाइलेक्ट्रिक। अब हमने ये किया हुआ है कि अगर सपोज आपके पास कोई भी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है और प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में अगर आप कोई कंडक्टर या कंडक्टिंग प्लेट लगा लें, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास प्लेट ऑफ कैपेसिटर है, ये आपके पास एक कंडक्टिंग शीट है, तो ये आपके पास एक कंडक्टिंग शीट है, कंडक्टर बोला मैंने, तो जब मैं वर्ड कंडक्टर बोलता हूं तो इसका मतलब कि अगर ये क्यू है तो बाय इंडक्शन यहां पर माइनस क्यू है और बाय इंडक्शन यहां पर प्लस क्यू है और यहां पर माइनस क्यू है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ऐसा किया हमने और किसी भी कंडक्टर के अंदर ई जीरो था। लेकिन जब मैं बात करता हूं कि कंडक्टर नहीं है, ये क्या है, एक डाई इलेक्ट्रिक है, तो अगर ये डाई इलेक्ट्रिक है तो रूल नंबर वन, डाइलेक्ट्रिक में इंडक्शन नहीं लगती। डाइलेक्ट्रिक में क्या लगती है? पोलराइजेशन। अंदर के एटम्स क्या हो जाते हैं? पोलराइज हो जाते हैं कुछ ऐसे, तो उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेते हैं इस तरफ। और ये मुझे पता है कि यहां पर चार्ज होगा तो नेगेटिव, पर यहां पर क्यू से तो कम ही होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं होता डाइलेक्ट्रिक में, कम हो जाता है, तो यहां पर माइनस क्यू आए और यहां पर प्लस क्यू आए। ठीक है यहां तक? तो ये चार्जेस आ गए इसमें, कोई डाउट इसमें? ये चार्जेस आ गए इसके अंदर और ये चार्जेस को बोलते हैं इंड्यूस्ड या बाउंड चार्जेस इन डाइलेक्ट्रिक। कंडक्टर के अंदर तो हमें पता ही है क्यू है, पर डाइलेक्ट्रिक के अंदर ये चार्ज किसके इक्वल है उसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, हम निकालने वही जा रहे हैं। ठीक, इसके अंदर अगर आपको ये चार्ज की वैल्यू निकालनी है तो याद करा दूं, हमने एक चीज की थी इसमें क्या, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर की वजह से कहां पर है, राइट है, ई नॉट वेक्टर राइट है, डाई इलेक्ट्रिक का जो फील्ड है ईपी ड्यू टू पोलराइजेशन पॉजिटिव से नेगेटिव लेफ्ट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट वेक्टर माइनस ई पी वेक्टर। इसको या तो बोलते थे नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर एक और नाम था, क्या बोलते थे, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैंने एक और चीज करवाई थी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता था, ई नॉट को किससे डिवाइड कर दें, इस रिड्यूस्ड वैल्यू से डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? और लास्ट एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें, वो ये कि अगर ये प्लेट का सिग्मा सिग्मा है तो इस प्लेट का सिग्मा माइनस सिग्मा है, लेकिन इस शीट का लेफ्ट की तरफ सिग्मा माइनस सिग्मा पी है। क्यों? क्योंकि सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। इस एरिया दोनों का सेम होगा, प्लेट का और डाइलेक्ट्रिक का, पर चार्ज सेम नहीं होगा, इसका चार्ज ज्यादा होगा, इसका चार्ज कम होगा, तो सिग्मा पी कम होगा, पोलराइजेशन का सिग्मा कम होगा, तो यहां पर क्या होगा, प्लस सिग्मा पी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो ये स्टेप समझ में आता है। ठीक है, अब एक चीज देखते हैं, इसका जो प्रूफ कहां पर मिलेगा आपको, फॉर्मूला बुकलेट में, तो अब सीबीएसई की बुकलेट में, तो आप उसे एक बार ओपन कर सकते हैं, जिसमें तो आपको ये शीट, ये बुकलेट मिली हुई है, इसके अंदर ये एक्सप्रेशन इसमें गिवन है, एक्सप्रेशन फॉर बाउंड चार्जेस या इंड्यूस्ड चार्जेस इन डाई इलेक्ट्रिक। सेम डायग्राम है जो मैंने बनाया, ये मैंने बता दिया कि ई क्या होता है, ई नॉट माइनस ई पी, ये मैंने बता दिया कि K क्या होता है, E नॉट बाई E, तो E क्या होगा, E नॉट बाई K, तो E नॉट बाई K, E नॉट वाली टर्म्स एक तरफ, EP एक तरफ, EP का मतलब क्या है, पोलराइजेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड, E नॉट कॉमन आ गया। अब E नॉट क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये तो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर का E नॉट है, EP डाइलेक्ट्रिक का है, तो सिग्मा P बाई एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसल हो गया,
सिग्मा पी क्या होगा, चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक बाय एरिया, सिग्मा क्या होगा, चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर बाय एरिया। तो आपके पास सॉल्व करके ये आंसर आ गया। फॉर्मूला बुकलेट में नोट करना पड़ेगा ये आंसर, तो फॉर्मूला बुकलेट में आप इसे प्लीज नोट करें ये डायग्राम के साथ कि बाउंड या इंड्यूस चार्जेस डाइलेक्ट्रिक का ये फॉर्मूला, क्योंकि कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इन्फिनिटी होता है, तो 1 बाई इन्फिनिटी इज 0, तो चार्ज दोनों बराबर आ जाएंगे। ठीक,